नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भारत ने उठाया बलूचिस्तान का मुद्दा। पाकिस्तान पर मानवाधिकार हनन करने का लगाया आरोप, समूचे जम्मू कश्मीर को बताया अपना। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मुल्तान में यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर, 6 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल, राहत और बचाव कार्य में जुटी पुलिस। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज। समुद्र किनारे आलिशान पेंट हाउस के बारे में छिपाई थी जानकारी। 2003 से 2010 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं लूला। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर कसा तंज, कहा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपना रोल मॉडल मानते हैं ट्रंप। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का ओबामा ने किया समर्थन। चीन के फुजियांग प्रांत में मेरांती तूफान ने दी दस्तक, 38 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चली हवाएं, तूफान की वजह से पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।